पिछले जुमे कहा था अगर मस्जिद उमर इब्ने खत्ताब के मसाइल हल ना हुए तो इंशाल्लाह अगला जुमा शंघाई पुल के नीचे पढ़ाया जाएगा। अल्लाह ताला के फजल करम से भाइयों ने भरपूर साथ दिया, भाई हाफिज़ शाम ने साथ दिया, भाई बाबर फारूक रहीमी ने साथ दिया, भाई राना रसुल्ला ने साथ दिया, भाई हफीजुर रहमान आमन ने साथ दिया। बहुत बड़ी तहरीक का वबा कर दिया गया, पुलिस के जिम्मेदार अफसरान ने गैर जानबदाराना अंदाज के अंदर केस की पड़ताल की। डीआईए अफजल कौसर साहब ने, एसपी अवैस शफीक साहब ने, इंस्पेक्टर रिजवान लतीफ साहब ने, इंस्पेक्टर रफीउल्ला ने मौके के ऊपर हर चीज का मुआयना किया। 14 साल से जो बोर बंद था, 14 साल से जो पानी खुश्क था, अल्लाह के फजल करम से जब जुमा खत्म होगा बोर भी मुकम्मल हो चुका होगा। अल्लाह के फजल करम से हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह की आवाज़ें भी बुलंद होकर रहेंगी। हजरात बड़े ही गुनाहगार हैं, बड़े ही अताकार हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज भी हमारी ललकार हिताबत के जरिए जो हजरत अल्लामा शहीद की मीरास है, बड़े बड़े जो हैं भुर जो हैं हिलना शुरू हो जाते हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं तवज्जो देने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। इंशाल्लाह हक का कारवा, ईमान का कारवा, इस्लाम का कारवा, दीन का कारवा, रोशनी का कारवा, जन्नत का कारवा, उरूज का कारवा, शादमानी का कारवा इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। हजरात ग्रामी कदर, क्या आप इस मकसद के अंदर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह।